हे वेलकम टू स्टोरी बी हैव यू बीन इन अ सिचुएशन पे कभी आपने स्कर्ट पहना हो एंड समवन टोल्ड यू कि छोटे कपड़े मत पहनो टांगे दिखेगी गो वेयर सम सम्स अगर हाँ तो लेट मी टेल यू समथिंग फ्यू सेंचुरीज ये सिनारियो पूरा उल्टा था लड़कियां पैंट्स नहीं पहनती थी बल्कि स्कर्ट्स ही प्रेफर करती एंड कभी गलती से वो पैंट्स पहन लेती तो उनके घर वाले बोलते पैंट्स क्यों पहना है तुम्हारी टांगे नहीं दिख रही जाओ जाकर स्कर्ट पहनो सो वाई वॉज दिस कल्चर फॉलोड वेस्टर्न कंट्रीज का फैशन रेवल्यूशन अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली लॉन्ग स्कर्ट से लेडीज ने नी लेथ एंड शॉर्ट स्कर्ट पहनना शुरू किया और ये स्टाइल का कोई एज लिमिट नहीं था एक टीजर से लेकर एक हाउस वाइफ से लेकर ग्रैनी तक सब स्कर्ट्स प्रिफर कर रॉयल कोर्ट्स की बात करें तो वो जमाने की लेडीज बड़े बड़े स्कर्ट्स जो ज्यादा ही बल्कि अनपी होते वो पहनती एंड स्कर्ट्स को बहुत बड़ा दिखाने के लिए वो उसके अंदर स्कर्ट केज़ भी पहनती पैंट्स विल लाइक ओनली फॉर मैन केस कोई लेडी पैंट्स पहनना भी चाहती तो उसे मना कर दिया जाता एंड ये बोला जाता कि तुम तो फीमेल हो तो स्कर्ट्स पहनो पैंट्स नहीं और ये चीज मेनली घर की फीमेल्स नहीं बोलती थी बल्कि मेल्स बोलते थे एज वी ऑल नो मेल डोमिनेंस पहले के रिलीजियस तो लोग अटायर्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट थे उनका ऐसा कुछ डिमांड नहीं था कि लेडीज शुड कवर दम सेल्फ और चिल्ड्रेन वेयर शॉर्ट क्लोथ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दे देर ओके फीमेल्स वेयर शोइंग स्किन उनका सिर्फ एक डिमांड था कि पैंट्स मत पहनो क्योंकि होली बुक में लिखा गया है कि वुमेन चिल्ड्रेन वेयर मेन्स अटायर एंड मेन चिल्ड्रेन वेयर वुमेन्स अटायर अभी आई गेस ये जो आदमी थे उन्होंने गलत वे में इस लाइन को इंटरप्रेट किया अगर होली बुक में ये लिखा गया है तो रीजन माइट बी कि फीमेल एंड मेल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है एंड फ्रॉम कोल्ड एंड को लगा कि ये पैंस के बारे में बोला जा रहा है so silly, क्योंकि पैंस ऐसा कुछ होली बुक में नहीं, में नहीं किया था। ये रूल तो इंसानों ने जब कपड़ा पहनना शुरू किया तब बनाया था so, तो वो आदमियों का जो रीजनिंग था दैट मेड नो सेंस बट क्योंकि मेल डोमिनेंस था तो लड़कियों को पैंट्स पहनने नहीं दिया गया नाउ आप में से कुछ लड़कियाँ सोच रही होगी कि स्कर्ट्स लुक सो ब्यूटीफुल लड़कियों को क्यों पहनना था पैंट जस्ट वाई में उस जमाने में काफी ठंड पड़ती एंड हीटर्स वगैरह थे नहीं बाहर किधर जाना होता लेडीज नी लेंथ स्कर्ट सॉक्स के साथ भी पहनती ना तो भी कुछ लेग का पार्ट अनकवर्ड रह जाता एंड उन्हें इस वजह से काफी ज्यादा ठंड लगती हैंस दे टू फुल्ली कवर द लेग सो दैट ठंड से वो बच पाए एंड ही वो कवरेज उन्हें अच्छे से दे सकता था उसके अलावा उस जमाने के स्कर्ट्स जो थे ना वो हैवी एंड पफी थे तो वॉक तो और कैरी दम स्कर्ट्स पहन के भागना भी मुश्किल होता केस कोई लेडी थ्रेटनिंग सिचुएशन में होती तो जस्ट बिकॉज ऑफ अर अटायर एट अट टाइम्स रन एंड अंडरस्टैंड की हम यहाँ सिक्सटीन एटीन सेंचुरी की वगैरह बात कर रहे हैं सो so, स्कर्ट्स वेयर वेरी डिफरेंट बैकथेन इस वजह से जब लेडीज घर का काम वगैरह करती तब छुपके से पैंट पहन लेती बट ग्रेजुअली जैसे सेंचुरीज बीतते गए लेडीज को लगा कि हम कुछ भी पहने ये हमारा चॉइस है चाहे फिर वो पैंट हो या स्कर्ट ये उन्हें रियलाइज हुआ इस वजह से एक फैशन डिजाइनर थी थीजबे स्मिथ मिलर एटीन फिफ्टी वन में उसने एक ऐसा क्लोदिंग पीस बनाया जो पैंट्स की तरह था अपर हाफ उसका स्कर्ट की तरह दिखता था बट एंड में इट हैड अ पार्टीशन एंड एंकल के अराउंड रैप होता जिस वजह से ये पैंट लाइक शेप देता इसे ब्लू मर्स कहते ये क्लोथिंग आइटम काफी लेडीज ने खरीदा पर आदमियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्होंने इसके अगेंस्ट आपत्ति जताई एंड इस वजह से इसके अराउंड काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई पर यहाँ से एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई पैंट्स लेडीज ने ओपनली पहनना शुरू किया उसके बाद जब ट्वेंटी सेंचुरी आया एंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो मिलिट्री वुमेन थी उन्होंने पैंट्स पहनना शुरू किया फिर जो लेडीज वॉलंटियर करती थी सोल्जर्स की फील्ड में हेल्प करने के लिए वो भी हाँ दौड़ी के दौरान स्कर्ट्स प्रेफर नहीं करती उसके जगह पैंट्स प्रेफर करती एंड ड्यूरिंग ओके विद इट क्योंकि उनका ही फायदा हो रहा था उन्हें पता था अगर लेडीज हेल्प करेगी तो उन्हें मदद होगी तो इस वजह से इस बार पैंट्स के अगेंस्ट मैन ने इतना बवाल क्रिएट नहीं किया तो यहाँ से पैंट्स वेयर नॉर्मलाइज एंड ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये एंड सेंचुरी के बाद ही ये बदलाव आया तो लुकिंग वर्क आई फील लाइक कैसे वक्त बदल जाएगा नो वन कैन टेल 1851 की जो औरतें थी वो लड़ रही थी कि उन्हें स्कर्ट्स पहन के अपने लेग्स अनकवर्ड नहीं रखने एंड पैंट्स पहन के उसे फुल्ली कवर्ड करना है उन्हें थोड़ी पता था कि कुछ सेंचुरीज डाउन द लाइन लेडीज को इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि हमें पैंट्स पहन के खुद को कवर करना है कि स्कर्ट्स पहन के खुद के लेग्स दिखाने हैं ये हमारी चॉइस है तो वुमेन के अटायर के अराउंड कई सेंचुरीज से डिस्कशन होते आ रहे हैं एंड वुमेन से ज्यादा मेल इस पे डिस्कस करते हैं